आपको भी फिर वो करना पड़ेगा अगर आपको इस चीज से बाहर निकलना है। अब आप सोच रहे हो भाई कहीं ना कहीं मुझे इस चीज से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सब मैंने करके देखा हुआ है, ये सब या फिर ये सब बकवास है, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं भाई इनसे कुछ नहीं होता, तो फिर आप ये सोचो फिर किस चीज से बाहर निकलेंगे। हेलो, नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। IBS का टाइम पीरियड एक ऐसा होता है जिस टाइम पीरियड के दौरान आप काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करते हैं, और लगभग ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लगभग हम लोग काफ़ी टाइम से झेलते हैं। और जैसे कि मैंने मेरा लास्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने ऑलरेडी IBS को 100% क्योर किया, अब उस टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या किया जिसको मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्हीं चीज़ों पर हम कुछ बात करने वाले हैं। और एक ऐसा स्पेशल एक स्ट्रेचिंग जो शायद आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, इस बात की मैं पूरी पूरी गारंटी देता हूँ। बट कुछ वो चीज़ें जो आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मैं 3 स्ट्रेचिंग की बात करूँगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेट के नसों के लिए, नलों के लिए, नाभि के लिए, आपके अपचन खाने के लिए, UDF के लिए, अनडाइजेशन के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए आपके पेट के स्पेशली उन चीज़ों को वो ठीक करने का काम करेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्लड का फ्लो जो बहता है रेगुलर वो नहीं बह पाता। मतलब कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है, कोई स्वेलिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ छाले होते हैं, मे बी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि IBS में लगभग ये सब चीज़ें क्यों सिम्टम्स माने जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग होती है, छाले माने जाते हैं, हाथों में घाव हो जाते हैं, ऐसी सब चीज़ें होती है। बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, सबसे पहले अपने माइंड में एक राइट अफर्मेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं हर पल हर घड़ी स्वस्थ हो रहा हूं। अगर मैं एक सांस भी ले रहा हूं तो डीप ब्रेथिंग जो आप लेते हैं ये भी मुझे स्वस्थ कर रही है। आपको अपनी जो अफर्मेशन जो आप सोचते हैं अपने बारे में हर दिन हर घड़ी जितना हो सके अपने बारे में अच्छा और अच्छा महसूस करिए। अपने माइंड ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट कीजिए जिससे कि आपका माइंड जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप आपको ठीक जब जब करेगा, तब तब आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही फ्लो में बहना शुरू करता है। तो मैं आज आपको 3 स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो आपको स्पेशली करनी है, और ये किन को करनी है वो मैं बता देता हूँ। जिनका नाभि जो रहता है, अपना जो नाभि होता है, नाभि से धड़कन अपर पार्ट में रहती है, यहाँ पे जहाँ पे जिनको नाभि का धड़कन महसूस होता है, जिनको कॉन्स्टिबेशन रहता है, जिनको वास्तव में एक सीनियर लेवल का कॉन्स्टिबेशन रहता है, जिनको अपचन रहता है, जिनको खाने की भूख नहीं होती, जिनको खट्टी डकारे आती है, या जी मिचलाता है, या जी घबराता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, या एंग्जाइटी होती है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, ये उनको स्पेशली नहीं करना है जिनको लूज मोशन रहता है, या जिनको डायरिया की प्रॉब्लम है, या जिनको UDF होता है, उनको स्पेशली ये स्ट्रेचिंग नहीं करना है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनको कॉन्स्टिबेशन रहता है, जिनको नले की प्रॉब्लम है, या जिनका जो नाभि है, नाभि से जस्ट ऊपर की ओर आपका धड़कन धड़क रहा है, आपका नाभि का, आपकी धरन का, ठीक है। तो 3 चीज़ें हम करने वाले हैं और बहुत अच्छी और एक बहुत शानदार लेवल की स्ट्रेचिंग है, और आप करना कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक बार और बोलना चाहूँगा। स्ट्रेचिंग शुरू से अगर आप आज से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लाइक भी कल से करते हैं, तो आपको इनको 3-4 मिनट से शुरू करना है और मैक्सिमम 5 मिनट तक जाना है। 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी स्ट्रेचिंग पे आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी सेम पोर्शन पे अगर लगातार आप रुके रहते हैं तो वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी और पोर्शन में फिर वेट ज़्यादा पड़ता है, तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कोई भी पोर्शन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसको उस स्ट्रेचिंग को 3-4 मिनट से स्टार्ट करना है, या 2-3 मिनट से आप ले सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, उसके बाद फिर आप उसको 5 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें स्ट्रेचिंग करनी है, हमें स्पेशली 3 स्ट्रेचिंग करनी है। पहला है सुप्त व्रज आसन, जो कि हमें जिसको हम नॉर्मली खाना खाने के बाद भी करते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा या कहीं पे सुना भी होगा, जिसको हम नॉर्मली व्रजासन बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, आपको अपना ये जो टखना है इसको थोड़ा बाहर रखना है, और सेम यही इसी साइड हल्का सा बाहर रखना है, और जस्ट रिलैक्स सेम पोर्शन में, ठीक है, और कमर बिल्कुल सीधी, और आपको ले रहे हैं डीप ब्रेथिंग,
गहरी सांस भरते हुए आपको पीछे की ओर कमर बिल्कुल सीधी, आपको ये वाला स्ट्रेचिंग आराम से करना है, कोई फोर्सफुली वाला काम नहीं करना है, जितना हो सके आपको डीप ब्रेथिंग करना है और पेट से आपको श्वास लेना है। ये लगभग आपको शुरू में दो से तीन मिनट शुरू करना है और आपको करवट लेकर के उठना है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम सेकंड स्ट्रेचिंग पे आते हैं, वो है हमारा सुप्त बंद कोण आसन। कौन सा है? सुप्त बंद कोण आसन। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों की एड़ियों को मिला लेना है, ठीक है? मैं बता देता हूँ आपको, पैरों की एड़ियों को मिलाना है, ठीक है? ऐसे मिला लिया, पोर्शन बिल्कुल आपका सेंटर में होना चाहिए, जहां पे आपको गुदा द्वार होता है वहां पे आपको रखना है, ठीक है? इसके बाद ऐसे घूम जाना है, लाइक मैं आपको एक बार थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा। पीछे आपको सपोर्ट के लिए एक अपना अच्छी साइज वाला, जो थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो, आपको लगभग जहाँ पे आपका लोअर पार्ट आता है, बैक पेन जहाँ पे अपना बैक वाला L4 L5 से जस्ट ऊपर होता है जो पार्ट होता है, ये लगभग नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है? गहरी सांस भरना आपको और आराम से लेट जाना है। ठीक है, फिर आपको लगभग 3 से 4 मिनट तक आपको इस वाले पोर्शन में रुकना है, फिर आराम से करवट लेकर के श्वास भरते हुए कोने के सहारे आपको उठना है। इसमें क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से मूवमेंट करता है, लेकिन इसका जो फर्क है वो लगभग ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया फिर आप सोच रहे भाई सर हमें तो रिलीफ नहीं मिल रहा, ये कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम 15 दिन तक फॉलो करना है। देखो वही चीज होती है, कोई भी हमें बीमारी लगती है, कोई प्रॉब्लम हमारे पेट में पनपती है, तो फर्स्ट फेज में हमें उसका एहसास नहीं होता कि वास्तव में हमें कोई चीज अंदर घेर रही है, हम लापरवाह हो जाते हैं उस चीज के लिए कि ठीक है नॉर्मल चीज चलने दो हो जाएगा, लेकिन वो हम गलत करते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, हर चीज ठीक हो सकती है, बट आपको उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, उसके लिए वो चीजें करनी पड़ेगी जो उसका करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फाइनली हमारा एक और स्ट्रेचिंग है, वो हम एक और कर लेते हैं, वो है हमारा मत्स्य आसन। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैरों को लॉक करना है, जैसे हम नॉर्मली मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अगर आपने कभी मेडिटेशन किया हो तो उसमें उनके पैरों को फोल्ड करके मतलब एक दूसरे पे क्रॉस करके होल्ड कर लेते हैं, लाइक भी लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा ये जो लोअर पार्ट है पूरा लॉक हो जाता है, समझ गए मेरी बात को? अब इनको लॉक करके फिर आपको उसकी थोड़ी साइज बढ़ानी है, जैसे कि मैंने बोला आपको करना क्या, थोड़ी सी इसकी मोटाई ज्यादा रखनी है, इससे क्या होगा हमारा पेट का जो बैक पोर्शन वो इस पे आएगा और लगभग कमर से हमारी नाभि से जस्ट नीचे वाला ये वाला पोर्शन होगा, तो इससे होगा क्या आपके पेट के ऊपर खिंचाव आएगा। पेट के ऊपर खिंचाव आने मतलब नसों में एक ही रेशो बनता है, फ्लो बनता है, गर्म पानी पी के आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा और बेनिफिट आपको रिलीफ देगा। ठीक है, मैंने किया इनको हल्का सा पीछे की ओर रखा, ऐसा नहीं कि आप इनको टच करके फिर कर रहे, नहीं ये नहीं करना, आपको यहां तक रखना है। ठीक है, गहरी सांस भरना है, इसको बोलते हैं मत्स्य आसन। लॉक करके आराम से बैक की ओर मूव करना है। और फिर आपको ऐसी अफर्मेशन करनी है, इस प्रकृति की असीम जो शक्ति है वो मेरे ऊपर हर पल बरस रही है, और ये जो असीम शक्ति है मुझे हर पल स्वस्थ कर रही है, और ईश्वर की जो ये नायाब जो मुझे जो तोहफा मिला है ईश्वरी स्वरूप में, इसको मैं हर घड़ी हर स्थिति में ठीक करने की ताकत और कैपेबिलिटी रखता हूँ। उस स्ट्रेचिंग के करते टाइम अगर आपको किसी बॉडी के पोर्शन में पेन होता है, दर्द होता है, तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि उस पोर्शन को फिर आपको होल्ड नहीं करना है, उस पोर्शन से फिर आपको बाहर निकलना हाथ वाला, ठीक है? फिर से करवट लेकर के आपको उठ जाना है। ये वाली स्ट्रेचिंग लगभग
आपको कम से कम सुबह और शाम 10-10 मिनट या 8-8 मिनट में हो जाएगी। अगर आप शुरू में 3-3 मिनट करते हैं तो लगभग 9 मिनट लगेगा। मैं स्पेशली आपसे रिकमेंडेड कर रहा हूँ, प्लीज मेरी आपको हाथ जोड़ करके विनती है, ये जो चीज़ मैंने बताई है इनका इफेक्ट 100% मिलेगा। और मैं रोज फिर भी करता हूँ इनको 15 मिनट के लगभग आसपास। बट आपको भी फिर वो करना पड़ेगा अगर आपको इस चीज से बाहर निकलना है। अब आप सोच रहे हो भाई कहीं ना कहीं मुझे इस चीज से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सब मैंने करके देखा हुआ है, ये सब या फिर ये सब बकवास है, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं भाई इनसे कुछ नहीं होता, तो फिर आप ये सोचो फिर किस चीज से बाहर निकलेंगे, या ऐसा क्या है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो हमें बाहर निकालेगी। कोई भी चीज है बाहर निकालेगी, हर चीज हम अपने आप से ठीक करवा कर उस चीज को ठीक कर सकते हैं, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, स्ट्रेचिंग हो, प्राणायाम हो, डाइट हो, सब चीज अपने आप ही परफेक्ट है। बट हम परफेक्टली जब तक किसी को करेंगे नहीं, तब तक उसका परफेक्ट रिजल्ट लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। तो हमें परफेक्ट उस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें कोई भी चीज परफेक्टली करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं हर वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी और करी, क्योंकि मैंने लगभग एक चीज नहीं करी है, मैंने लगभग कम से कम 500 चीजें करी है इस चीज बाहर निकालने के लिए। बट मैं एक ही चीज पे काम करके आपको उसके साथ एक्सप्लेन करके आपको उसको शेयर करता हूँ। अगर आप एक भी चीज पे पर्टिकुलर काम करेंगे तो उसका इफेक्ट यकीनन आपको मिलेगा।